आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। दोनों शहरों में एक मरतबा फिर बारिश का आगाज, सड़कें झील में तब्दील, कई मुकामात पर ट्रैफिक जाम। रियासत में सब इंतखाबात मुतय्यना वक्त पर ही होंगे, रियासती सदर बीजेपी किशन रेड्डी ने किया दावा। रियासती गवर्नर ने आरटीसी बिल को मंजूरी देते हुए फाइल पर दस्तखत कर दिए, एक माह से जारी तातुल खत्म। मजलिस कायदीन मुतालिका हलकों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ। ड्रग्स व कोकीन की मुंतकली और खरीदो फरोख्त में मुलविस 8 मुलजमीन बशमूल 3 नाइजेरियाई बाशिंदे गिरफ्तार, नारकोटिक्स ब्यूरो ने गुड्डी मलकापुर पुलिस के इश्तराक से की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में महकमे मौसमियात की पेशख्यासी सच साबित हुई और जुमेरात की शाम से बारिश का आगाज हुआ। बारिश के बाद तकरीबन कई मकामात पर पानी जमा देखा गया और सड़कों पर ट्रैफिक जाम भी देखा गया। नशीबी इलाके जेरे आब आ गए और जीएचएमसी के इमरजेंसी अमले को मुतहर्रिक देखा गया। रात में तकरीबन बारिश का सिलसिला जारी था, जबकि वक्फे वक्फे से ये थम भी रही थी। कुल्लू में साज मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली मुतालिका हलकों के अवाम की जानिब से दी जा रही शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम की दरख्वास्तों को मंजूरी देते हुए चेक्स की तकसीम को यकीनी बना रहे हैं। मुतालिका एमआरओ से नुमाइंदगी करते हुए दरख्वास्तों को मंजूरी को यकीनी बनाया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हलके याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खाली ने सईदाबाद मंडल से मंजूरा कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के 25 चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मकामी मजलिसी कायदीन के अलावा मुतालिका मंडल के अहदेदार भी मौजूद थे। सैदाबाद मंडल ऑफिस में आज कल्याण लक्ष्मी के चेकों की तकसीम हुई। 32 चेक थे, 32 लोगों में चेक तकसीम किए गए, तो तकरीबन 32 लाख से ज्यादा की इसकी कीमत है, 32 लाख से ज्यादा की इसकी लागत है। और आज नकबे मिले पार्लियामेंट की हिदायत पर जैसे ही कल्याण लक्ष्मी के शादी मुबारक के चेकों की तकसीम के लिए बिला ताखिर इसको तकलीफ करने की हिदायत दी गई। चुनाचे आज कल ही चेकों की तैयारी होने की दिला में तो आज आके तकसीम कर दिए और भी बहुत सारे इंशाल्लाह इधर से। शुक्रिया हमारे कारपोरेटर मुजफ्फर साहब, शहबाज साहब नुमाइंदा कारपोरेटर, राइस सदन के कारपोरेटर और मैडम आरएमओ मैडम सब इसमें, इमारो मैडम सब इसमें शरीक है और ये तमाम इंतजाम हमारे ऑफिस में किए गए। शुक्रिया। रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सौंदर राजन ने आरटीसी बिल को मंजूरी देते हुए इस फाइल पर दस्तखत कर दिए। वाद रहे कि पिछले एक माह से इस फाइल और बिल के बारे में तातुल बना हुआ था। नजरिया में इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन ने मुकम्मल एक माह के बाद आरटीसी बिल को मंजूरी देते हुए आरटीसी की फाइल पर दस्तखत कर दी है। वाज़ेह है कि वज़ीरे आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में मुनक़िदा काबीना मीटिंग में आरटीसी को हुकूमत में ज़म करने की मंजूरी देते हुए इसे गवर्नर की मंजूरी के लिए राजभवन रवाना किया गया था, जिसे गवर्नर ने एक माह कबल असम्बली के मानसून इजलास के दौरान इस बिल में चंद वजाहतें तलब की थी, जिस पर हुकूमत ने इस बिल को असम्बली में मंजूरी देते हुए दोबारा राजभवन रवाना किया, जिसे आज मंजूरी दे दी गई। इस बिल की मंजूरी से 43,000 आरटीसी मुलाजमीन को फ़ायदा हासिल होगा, जिसके बाद आरटीसी मुलाजमीन ने रियासत भर में जश्न मनाया।
वज़ीर सेहत व फाइनांस हरीश राव ने अपने दौरे खम्मम के दौरान बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 15 सितंबर को रियासत के 9 अजला बशमूल ज़िले खम्मम में नए मेडिकल कॉलेजेस का इफ्तिताह अंजाम देंगे। उन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत रियासत के हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज के क़याम के सिलसिले में तेज़ी के साथ इकदाम कर रही है और जुमे के रोज़ जिन 9 नए मेडिकल कॉलेजेस का इफ्तिताह अंजाम दिया जाने वाला है उसी दिन नए कॉलेजेस में दाखिलों के अमल का भी आगाज़ होगा। हरीश राव ने जिले खम्मम में रियासती वजीर अजय कुमार, रुकन पार्लियामेंट एन नागेश्वर राव और अराकीन असम्बली ने रियासती वजीर का खैर मकदम किया, जबकि इस मौके पर मोटरसाइकिल रैली भी निकाली गई। आ रोज अन्न चेत कोर मुद्दे दिपस्टे प्रजल नम्मा मिम्मेल आ रोज आकल की अन्न चेत कै अधिकार కానీ అధికారం కోసం వాళ్ళ గోరుముద్దలు తినిపిస్తాం అరచేతిలో వైకుంఠం చూపిస్తాం అంటే తెలంగాణంత తెలంగాణ ప్రజలు 50 ఏళ్ళలో మీరు చేయలేదు ఒకటి రెండు మీరు అధికారంలో ఉన్న రాష్ట్రాల్లోనైనా చేశారా ఛత్తీస్గఢ్లో కర్ణాటకలో రాజస్థాన్లో అక్కడ చేసి చూపండి నాడు చేయరైతిరి నేడు అధికారంలో ఉన్న రాష్ట్రాల్లో చేయకపోతిరి రేపు తెలంగాణలో ఇది చేస్తాం అది చేస్తాం అంటే ప్రజలు మిమ్మల్ని నమ్మరు గాక నమ్మరు। वज़ीर इत्तला'आत व ताल्लुकात आमा व मादनियात महेंद्र रेड्डी ने विखराबाद और उसके अतराफ व अकनाफ के सैकड़ों कांग्रेसी और बीजेपी के कारकुनों के अलावा उनके कायदीन की बीआरएस में शमूलियत का खैर मकदम किया। बाद अज़ां खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि आने वाले असम्बली इंतखाबात में बीआरएस वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में 90-100 नशस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने हुकूमत की जानिब से विखराबाद और चेवड़ला के अलावा तांडूर में किए जाने वाले तरक्याती इकदाम से पार्टी खायदीन और आवाम को वाकिफ करवाते हुए बताया कि मुस्तकबिल में मजीद तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। बीआरएस रुकन पार्लियामेंट लिंगा यादव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस की जानिब से हैदराबाद में सीडब्ल्यूसी मीटिंग और जलसा मुनक़िद किया जाए और इंतखाबी मंशूर में कितने भी डिक्लेरेशन शामिल किए जाएं कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा मरकजी वज़ीर दाखला अमित शाह तेलंगाना में बीजेपी को कामयाब बनाने के सिलसिले में कितने भी दौरे कर लें रियासत की अवाम तीसरी मरतबा भी बीआरएस को इख्तदार पर फायज करेगी और कांग्रेस के अलावा बीजेपी के उम्मीदवारों की जमानतें जब्त कर देगी, क्योंकि रियासत की आवाम और किसान रैतु बीमा, रैतु बंधु, दलित बंधु स्कीम के अलावा केसीआर किट और शादी मुबारक स्कीम से मुतमईन हैं। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने इख्तदार हासिल करने और अपनी पार्टी के कारकुनों में जोश पैदा करने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास हैदराबाद में मुनक्किद करने का फैसला किया है, जिसका आगाज 16 सितंबर को होगा और 17 सितंबर तक जारी रहने के बाद उसी तारीख को हैदराबाद में बड़े पैमाने पर जलसे आम मुनक्किद किया जाएगा, जिसको साबिक सदर ऑल इंडिया कांग्रेस सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी और सदर ऑल इंडिया कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे और दीगर कायदीन मुखातिब करेंगे, जिसके तेज़ी के साथ इकदामात किए जा रहे हैं। हल्के मलकपेट के अवामी मसाइल की यकसोई के लिए रुकन असेंबली अहमद बलाला मुतालिका महकमों के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद कर रहे हैं। जुमेरात को रुकन असेंबली ने हल्के मलकपेट के मुख्तलिफ ज़ेर इल्तवा कामों के सिलसिले में वाटर वर्क्स, महकमे आबरसानी, बरखी और बल्दी अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास में मुख्तलिफ ज़ेर इल्तवा कामों की तकमील के लिए अहदेदारों पर जोर दिया गया। जिन कामों का तखमीना तैयार हो चुका है उसकी मंजूरी और काम के आगाज़ पर भी तवज्जो दिलाई गई।
गई। रुकन असम्बली ने अहदेदारों पर जोर दिया कि जहाँ कहीं अवामी शिकायत मौसूल हो रही हैं इन कामों की तकमील को यकीनी बनाएं। BRS की रुकन कौंसल के कविता को शराब पॉलिसी स्कैम के सिलसिले में ED की जानिब से एक बार फिर नोटिस जारी की गई है। कविता को कल यानी जुमे को दिल्ली में ED दफ्तर में पेश होने की भी हिदायत दी गई। इससे पहले भी कविता को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से पूछताछ के लिए तलब किया जा चुका है। कविता कल ED के रूबरू पेश होंगी या नहीं, अभी इस बारे में उनकी तरफ से कोई तौसीख नहीं की गई। तेलुगु फिल्म स्टार और जनासेना के लीडर पवन कल्याण ने तेलुगु देशम पार्टी के साथ इंतखाबी मफाहमत का ऐलान किया है। राजमुंद्री में चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए पवन कल्याण ने कहा कि जेल में चंद्रबाबू नायडू की सलामती को यकीनी बनाना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू को ब्लैक कैट कमांडोज की सिक्योरिटी है, इस दौरान उनकी सिक्योरिटी पर तवज्जो देने की ज़रूरत है और इस मसले को सदर जमहूरिया हिंद, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से भी रुजू करेंगे। पवन कल्याण ने कहा कि आंध्र प्रदेश SR पार्टी को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मंत्री गारी की अमित शाह गारी तीसुकुन्न जैल्लो ईन भद्रता चाला कीलकमैंदी। नाकु एलाग भद्रता लेदु, नाकु एलाग नाकु भद्रता लेदु, नेनु अडगनु एंदुकंटे अन्नी तेगिंचि वच्चानु। कानी ई वयसुलो आयनकि चाला चाला भद्रता कावालि, एंदुकंटे आयन चाला समस्यलु एदुर्कोन्न व्यक्ति, ब्लाक क्याट्स मनकि रक्षणलो उन्न व्यक्ति। अलांटि व्यक्तिकि ई रोजुन अधिक रक्षण उंडालि, अदि कूडा नेनु वाळ्ळकि तेलियजेस्तानु। इदेंटे आंध्रप्रदेश अतलाकुतलम एंटायर साउथ अतलाकुतलम मर्चिपोकूडदु। कीलकमैन रहदारुलन्नी मोत्तं साउथ कंत रहदारुलन्नी इक्कडि नुंचि वेल्तायि, ईस्ट वेस्ट साउथ अंता। अंदुकनि आंध्रप्रदेश तालूकु अनिश्चिति गानी ई मनकि लालेस्नेस गानी मोत्तं देशं मीद पडुतुंदि। अंदुकनि आ दृष्टि तोटे नेनु प्रधानमंत्री गारिकि मनकि अमित शाह गारि दग्गरिकि दृष्टिकि तीसुकोनि प्रेसिडेंट दृष्टि कूडा तीसुकेल्तां। अभी नम्बर असल नम्बर अद्डे प्रती सारी इधे अड़ता सर मीद पर्सपन अंटे मैं एंकंटे आ स्थाई की वाक नायक इन नूम लगे ना ओपीनियन अड़ता आई अमित शाह गार अड़गलरा वील्पिंद मैं वाल एंपील एवरो वाली अड़गले कदा वाले वाल इवीं प्रतीदी इन राष्ट्र तालूक न्यूज प्रतीदा स्पंद तपूे प्रती ऊर्जो जगह ओपीनियन स्पंदी एला स्पंद अन्नी राष्ट्र जगह दाखान वाल स्पंद लेर वो अंदे कदा दीन बीजेपी की संबंध ले। इससे पहले जनसेना पार्टी के लीडर पवन कल्याण चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात के लिए राजमुंद्री जेल पहुंचे थे। पवन कल्याण के एयरपोर्ट पहुंचने पर नारेबाजी भी की गई। चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद लोकेश और राजमुंद्री जेल के पास पुलिस मुलाजिम के दरमियान नोकझोंक की इत्तला मिली है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, लेकिन नोकझोंक क्या हुई और इसकी क्या वजह थी इसका पता नहीं चल पाया।
సత్యగారు చూడవచ్చు. हैदराबाद में चंद्रबाबू नायडू की हिमायत में हुए इजलास के दौरान पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। गुज़िश्ता तीन दिनों से हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में ख़ासतौर पर आईटी मुलाजमीन की जानिब से चंद्रबाबू नायडू की हिमायत में मुजाहरे हुए हैं। तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी की 24 घंटों की भूख हड़ताल ख़त्म हो गई है। आज बीजेपी के दफ्तर में पार्टी के सीनियर लीडर प्रकाश जावड़ेकर ने शरबत पिलाकर उनकी भूख हड़ताल ख़त्म करवाई। हैदराबाद एयरपोर्ट कस्टम हकाम ने मलेशिया से आए मुसाफिर के कब्जे से 636 ग्राम सोने को जब्त किया है। कस्टम हकाम ने सामान की तलाशी ली जिस पर पंखे के रोटर में छुपाकर सोना लाया गया था। कस्टम हकाम ने सोने को जब्त कर लिया और मुसाफिर से पूछताछ जारी है। वाजह है कि शमशाबाद में वाक़ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हर माह किसी न किसी मुसाफिर के कब्जे से सोने की जब्ती का सिलसिला जारी है। कस्टम अहदेदार एयरपोर्ट पर काफ़ी अलर्ट दिखाई दे रहे हैं ताकि इस किस्म की स्मगलिंग को नाकाम बनाया जा सके। एक बार ओपन करो फैन को। हैदराबाद के निज़ाम पेट NRI कॉलोनी में ज़र तामीर इमारत की पहली और दूसरी मंजिल की छत मुनहदिम हो गई। इस वाक़े में दो खातून मजदूर लक्ष्मी और अनीता जख्मी हुए हैं। दोनों को खानगी दवाखाना मुंतकिल किया गया। मुकामी मकीनों ने कहा कि नाखिस काम और मौसर क्यूरिंग ना होने की वजह से यह वाक़ा पेश आया है। सीट बैग भी नहीं रखा गया था। निज़ाम पेट के टाउन प्लानिंग आफिसर श्रीनिवास ने बताया कि इस मामले की तहकीक़ात की जा रही है। उन्होंने कहा कि HMDA ने हमा मंजिला इमारत की इजाज़त दी थी, अब इस इमारत का इजाज़तनामा भी मनसूख किया जा सकता है। वाज़ह कि गुज़िश्ता हफ्ते ही कोकटपल्ली कॉलोनी में ज़ेर तामीर इमारत के मुनहदिम होने से तीन मजदूर हलाक हो गए थे। ఐదున్నరక ఇంటిమేట్ అయింది సార్, 5:30 మాకు తెలిసింది. తెలియగానే ఇమ్మీడియట్గా ఇక్కడికి వచ్చి మేము వెరిఫై చేసినాము. ఇంజూర్ అయిన ఇద్దరిని వాళ్ళను హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేసినాము. లైఫ్ రిస్క్ ఎవరికి జరగలేదు, మైనర్గా దెబ్బలు తాకినాయి. వాళ్ళ ఇద్దరు లేడీస్కి ఇమ్మీడియట్గా మమతా హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేసినాం సార్. మీ ప్రాథమిక దర్యాప్తులో అసలు ఎందుకు కూలిందని? అది స్ట్రక్చరల్ డిజైన్, స్టీల్ డిజైన్ సరిగా లేక తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా లోడ్ ఎక్కువైపోయింది. అది అంటే క్యూరింగ్ విత్ ఇన్ లిమిట్స్ డేట్ లోపల క్యూరింగ్ కాకుండా ఇమీడియట్గా ఇంకో స్లాబ్కు రేజ్ చేయడం ద్వారా అది జరిగింది. బిల్డర్ మీద ఏమైనా కేసులు పెడుతున్నారా? తప్పకుండా క్రిమినల్ కేసులు బిల్డర్ మీద పెట్టి అతని మీద చర్యలు తీసుకుంటాము. అబ్బాయి బిల్డింగ్కి సంబంధించిన ఏ డీటెయిల్స్ ఉన్నా కానీ పొద్దున్నే ఇప్పుడు నైట్ కలెక్ట్ చేసుకున్నాం. రేపు పొద్దున్నే ఆ డిమాలిషన్ కూడా మేము ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం సార్. ఆ బిల్డర్ పేరు ఎంత సార్?
हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन हदूद के तहत हकीमपेट के इलाके में पुलिस की जानिब से तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। इस मुहिम के दौरान दरकार दस्तावेजात ना होने पर 102 टू व्हीलर्स को जब्त कर लिया गया। गैरकानूनी तौर पर सिलेंडर फिलिंग के ठिकाने पर भी धावा किया गया और 12 सिलेंडर जब्त किए गए। गैरकानूनी शराब की दुकान पर धावा करते हुए 115 शराब की बोतलें भी जब्त की गई। साउथ वेस्ट जोन DCP करण ने बताया कि धावे के दौरान 13 रोडस्टर्स की काउंसलिंग की गई और उन्हें ताकीद की गई कि अमन कानून मुतासिर करने की किसी भी हरकत पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बताया कि अवाम में अमन कानून का एतमाद पैदा करने के लिए तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। इसके लाओ, एक बार ऑफिस में लाओ मेरे। यस ठीक है। DCP साउथ जोन साई चैतन्या की क़यादत में गणेश त्यौहार और मीलादुन्नबी के सिलसिले में मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदारों के साथ इजलास तलब किया गया। साउथ जोन के पुलिस अहदेदार GHMC इमारत व शुआरा बरखी वाटर वर्कस RTC अहदेदार भी इसमें शरीक हुए। गणेश और ईद मीलादुन्नबी के सिलसिले में इंतजाम को लेकर ज़रूरी हिदायत दी गई और तालमेल के साथ काम करने पर जोर दिया गया। పోలీస్ స్టేషన్ ముందు నుంచి గవర్నమెంట్ ప్రాపర్టీ ఈ మెయిన్ పోలీస్ స్టేషన్ మెయిన్ అవుతుంది దాన్ని అటు వేలాకాలని మురాదం అనేది దాన్ని ఆఫీస్ దగ్గర మా స్థాయిలో ఉన్న అవన్నీ కూడా పరిపూర్ణంగా మనకు అశోక వేళ దెన్ అక్టోబర్ మాస్ట్ అధ్యక్షుల నుంచి మెయిన్ ప్రోసెస్ వస్తుంది సో మెయిన్ వరకు ఈ సుల్తాన్ షాహీ ఏరియాలో కొంత డ్రైనేజ్ ఫ్లో ఉంది नलगुंडा जिले के दामरचिल्ला मंडल के पास दिन दहाड़े कार का शीशा तोड़कर 5 लाख रुपए का सरखा कर लिया गया। इस वाक़े का CCTV भी मंजर आम पर आया है। तफसीलात के मुताबिक दामरचिल्ला के साकिन रियल इस्टेट के ताजिर अजमेर मुल्ला एक प्लाट की रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में मरियालगुड़ा ऑफिस का काम मुकम्मल करने के बाद अपने दोस्त के साथ 5 लाख रुपये की रकम कार में रख कर लाए थे और अपनी कार को रेस्टोरेंट के पास पार्क किया था। इस दौरान बाइक पर आए दो अफराद में से एक ने कार का शीशा तोड़ा और 5 लाख रुपए की रकम लेकर राह फरार इख्तियार की। पुलिस ने केस दर्ज किया है, उसकी तहकीकात जारी है। तेलंगाना स्टेट नारकोटिक्स ब्यूरो ने गुड्डी मलकापुर पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए कोकीन की मुंतकली और ख़रीदो फरोख में मुलविस बैन अल-अक़वामी और 4 मुकामी मुलजमीन को हिरासत में लिया और इनके कब्ज़े से 10 लाख रुपये माले के ड्रग्स बरामद किए। डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट नारकोटिक्स ब्यूरो और कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद IPS ने मीडिया को बताया कि जुमला 7 मुलजमीन को हिरासत में लिया गया है, जिनमें 3 का ताल्लुक नाइजीरिया से है। उन्होंने उनकी सरगर्मियों के बारे में भी मीडिया को तफसील बताई। रियासती सदर भारतीय जनता पार्टी और मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने दावा किया है कि तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात अपने मुतय्यना वक्त पर होंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मुख्तलिफ मौजूआत पर बात की और BJP कायदीन और कारकुनों पर पुलिस की जानिब से अपनाए गए रवैये की शदीद मजम्मत भी की। BRS MLC के कविता के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि ED से जो नोटिस जारी की गई है वो हुकूमत का मामला है, ये BJP का मामला नहीं है। ताहम उन्होंने इस बात का इरादा किया कि ताहाल मरकजी हुकूमत की जानिब से वन नेशन वन इलेक्शन पर कोई कतई फैसला नहीं किया गया है।
మజ్లిస్ పార్టీతో స్నేహం చేస్తున్నటువంటి పార్టీలతో, మజ్లిస్ పార్టీతో భుజాన్ని భుజాన్ని కలుపుకొని నడుస్తున్నటువంటి పార్టీలతో, మజ్లిస్ పార్టీ సలహాదారుగా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి బీఆర్ఎస్ పార్టీతో, మజ్లిస్ పార్టీ ప్రభుత్వంలో స్టీరింగ్ పట్టుకున్నటువంటి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో స్టీరింగ్ పట్టుకున్నటువంటి మజ్లిస్ పార్టీతో కలిసి పనిచేస్తున్నటువంటి కేసీఆర్ ప్రభుత్వంతో కేసీఆర్ పార్టీతో కలిసే ప్రసక్తి లేదు అనే విషయాన్ని స్పష్టంగా ఈ రోజు కాంగ్రెస్ రోజు మీటింగులు పెట్టుకోమను. సోనియా గాంధీ గారు ఇక్కడనే ఉండమని చెప్పండి, రాహుల్ గాంధీని హైదరాబాద్ లో ఉండమని చెప్పండి, రోజు జిల్లా మీటింగ్ పెట్టుకోండి. అది ఆపే అధికారం మాకెక్కడ ఉంటుంది, మేమెందుకు అడ్డుకుంటాము? వాళ్ళ మీటింగ్ పెట్టుకుంటే అది ఏ మూర్ఖుడు రిలీజ్ చేసాడు ఆ మూర్ఖునికే తెలియాలి. ఏ మూర్ఖుడు రిలీజ్ చేశాడు ఆ లిస్టు ఆ మూర్ఖుడికే తెలియాలి. మేము ఇప్పటి వరకు ఏ రకమైనటువంటి లిస్టు ఎక్కడ గాని సీట్ల గురించి చర్చ గాని మేము జరగలేదు. మొన్న మేము దరఖాస్తులు తీసుకున్నాం, చాలా అద్భుతమైనటువంటి స్పందన మా పార్టీకి వచ్చింది. అవన్నీ కూడా ఎవాల్యుయేట్ చేస్తున్నాం. ఆ తర్వాత సెంట్రల్ పార్లమెంట్ బోర్డు మీటింగ్ అవుతుంది, అందులో నిర్ణయం అయితే తప్ప ఇంతవరకు ఎక్కడ కూడా ఏ లిస్టు కూడా ఏ సీటు గురించి కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయ పార్లమెంట్ బోర్డు చర్చించలేదు. ఇది పూర్తిగా ఎవరో తప్పుడు ప్రచారం చేసి पुलिस की जानिब से एक दिन खबर रियासी सदर भारतीय जनता पार्टी जी किशन रेड्डी को गिरफ्तार किया गया था जब वो दीक्षा में हिस्सा ले रहे थे, बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया. तहम उनको हिरासत में ले जाने के खिलाफ रियासत भर के कई मकामात पर एहतजाज किया गया. इस सिलसिले के तहत मेरचल में बीजेपी मकामी कायदीन और कारकुनों ने एहतजाज करते हुए रियाला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव का अलामती पुतला भी नजरआतिश किया. बीजेपी कायदीन और कारकुनों ने इस सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत को इंतबाह भी दिया. 90 ml కేసీఆర్ నీకు అసలు మైండ్ ఏమైనా పనిచేస్తుందా? తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత నువ్వేం చెప్పినావు? ఇంటికొక ఉద్యోగం అన్నావు, 3 ఎకరాల భూమి అన్నావు, ఎస్సీ దళిత బంధు అన్నావు, బీసీ బంధు అంటావు, నోటికొచ్చినదల్లా ప్రతి ఒక్కటి చెప్తూనే ఉంటావు, నచ్చినట్టుగా హామీలు ఇస్తూనే పోతావు. ఎన్ని నెరవేర్చినావు నువ్వు దాంట్లో? యువత కోసమని వాళ్లకు నిరుద్యోగంగా ఉన్న యువత కోసమని ఇందిరా పార్కులో ఈ ఉపవాస దీక్ష చేపట్టితే ఎందుకని నువ్వు అరెస్టులు చేయించినవు? అసలు ఈ పోలీసులు అక్రమంగా అరెస్టులు ఎందుకు చేస్తున్నారు? వాళ్ళు ఒక పని చేసే, వాళ్ళ యూనిఫామ్స్ అన్ని తీయించేసి నీ పార్టీ కండువ కప్పేసేయి. ఎందుకంటే వాళ్ళు నీకు మొత్తం కార్యకర్తల్లాగా పనిచేస్తున్నారు కదా, వాళ్ళకి యూనిఫామ్స్ అవసరం లేదు, మొత్తం కండువలు వేసేసే, ఆ తర్వాత పని చేయించుకో. అసలు మేము ఎవరికి నష్టం కలిగించినామా? మేము చేసిన దీక్ష శాంతియుతంగా ఉంది. ఏమన్నా ఎవరన్నా ప్రాపర్టీ పాడు చేసినామా? రాస్తా రోకో చేసినామా? ఏం చేసినామని మీరు అడ్డుపడ్డారు? దేనికోసమని అడ్డుపడ్డారు? ఇక్కడ ఈ మేడ్చల్ నియోజకవర్గంలో ఒక మంత్రి మల్లారెడ్డి ఉన్నాడండి, ఆయనకైతే అసలు మైండ్ పనిచేయనే పనిచేయదు. మొన్న ఆదివారం రోజు వాళ్ళ జాయినింగ్స్ ఉంటే ఎక్కడ పెట్టిండు? నడి రోడ్డు మీద, ఈ రహదారి మేడ్చల్ రహదారి పైన జాయినింగ్స్ పెట్టిండు. ज़िले यादाद्री बोमलाराम मंडल में पेश आए एक सड़क हादसे में एक शख्स की मौत वाक़ हुई. मुतवफ़ी की शिनाख्त के रामू साकिन बोइनपल्ली तांडा की हैसियत से की गई. आरटीसी बस से हादसा पेश आया जबकि 36 साल शख्स सुबह अपने घर से निकला था. इत्तला मिलते ही मुतालिका पुलिस मकाम हादसे पर पहुंची और नाश को बगैर पोस्टमार्टम दवाखाना रवाना किया. इस सिलसिले में जाब्ते की कार्रवाई भी अंजाम दी गई. स्पेशल ऑपरेशंस टीम एलबी नगर जोन ने वनस्थलीपुरम पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए बैन रियासती ड्रग्स मुंतकली का रैकेट बेनकाब किया और इसमें मुलविस मुलजमीन को हिरासत में लिया.
पुलिस ने उनके कब्जे से 25 लाख रुपए मालियाती ड्रग्स और हीरोइन भी जब्त की। एसओटी के मुताबिक राजस्थान का मुतवतिन मुलजिम असल सरगना बताया गया है, जो चैतन्यापुरी पुलिस स्टेशन हदूद में हुए केस में भी मुलविस पाया गया है। कुल में जहाद मुसलमीन के रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मौजम खान ने फलकनुमा चुराहे पर कोशादा की गई पाटिल कट्टा बासुंदी टी के यूनिट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मेहमाना ने खुसूसी के तौर पर अब्दुल हन्नान नुमाइंदा कॉरपोरेटर रहमतुल्ला तैयब सीनियर मजलिसी कायद और दीगर ने शिरकत की और प्रोप्राइटर्स को मुबारकबाद भी दी। मोहम्मद अब्दुल अजीज और सुहेल बिन अब्दुल गनी प्रोप्राइटर्स ने मेहमानों और शुरका का खैर मकदम किया, जबकि इस मौके पर जाहिद शराबी, फैसल शराबी, अब्दुल गनी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मेहमानों के अलावा शुरका ने भी प्रोप्राइटर्स को पुणे की ऑथेंटिक चाय आउटलेट के आगाज पर मुबारकबाद पेश की। ये जो पहला वाला वैदीपट्टनम में है, दूसरा सईदाबाद में है, तीसरा फलकनुमा में है। इसकी स्पेशलिटी यही है बासुंदी टी। हमारे गैरन साहब ने बताया कि ये एक स्पेशल मिठाई का स्पेशल, और इसके अंदर इलायची और भी बहुत सारे चीज़ें डाल के इसी को प्रिपेयर करते हैं, और आप लोग आइए इसका मज़ा लीजिए। और जी एमएलए साहब मौजम खान साहब के साथ इनॉग्रेशन हुआ है, और हमारे कॉरपोरेटर साहब हनन साहब भी आए थे, और मजीद यहाँ के लोकल फ्रेंड्स रिश्तेदार सब मिल के इनॉग्रेशन करें। मैं तो हैदराबाद में चाय के काफी शौकीन है और यहाँ पर हैदरानी चाय काफी मशहूर है, और पिछले एक साल से आपका ब्रांड हमने यहाँ पे फलकनुमा अपोजिट ओल्ड बस स्टैंड पाटिल कट्टा का न्यू ओपनिंग किया। यह हमारा थर्ड आउटलेट है यहाँ पे हैदराबाद में। एक बासुंदी टी जो बहुत बेहतरीन क्वालिटी, बहुत अच्छा प्रोडक्ट हमने हैदराबाद के लोगों के लिए बनाया है, और इसको हम अच्छी क्वालिटी देने की कोशिश करेंगे, और आगे चलकर हमारे और कुछ आउटलेट्स हैदराबाद में शुरू होने जा रहे हैं। तो आप लोगों को सबको हम गुजारिश करते हैं कि आप सब लोग आए, हमारे प्रोडक्ट को टेस्ट करें, हमारे प्रोडक्ट का आनंद ले, एक्सपीरियंस ले। थैंक यू वेरी मच। हमारे इंडिया में अभी 80 आउटलेट हो गए हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। दोनों शहरों में एक मरतबा फिर बारिश का आगाज, सड़कें झील में तब्दील, कई मुकामात पर ट्रैफिक जाम। रियासत में सबल इंतखाबात मुतय्यना वक्त पर ही होंगे, रियासती सदर बीजेपी किशन रेड्डी ने किया दावा। रियासती गवर्नर ने आरटीसी बिल को मंजूरी देते हुए फाइल पर दस्तखत कर दिए, एक माह से जारी तातुल खत्म। मजलिसी कायदीन मुतालिका हलकों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ। ड्रग्स व कोकीन की मुंतकली और खरीदो फरोख्त में मुलविस 8 मुलजमीन बशमूल 3 नाइजेरियाई बाशिंदे गिरफ्तार, नारकोटिक्स ब्यूरो ने गुड्डी मलकापुर पुलिस के इश्तराक से की कार्रवाई। इसी के साथ रूबरू न्यूज यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैलकवामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबरू न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।